क्वेश्चन नंबर 69। इसमें बोला एक नंबर एक्स है जब उसको 289 के साथ डिवाइड किया गया, एक्स को जब 289 से डिवाइड किया गया तो उसने पीछे जो रिमाइंडर है वो 18 छोड़ा। सेम उसी नंबर को जब एक्स ही नंबर ले लिया, इसको 17 से डिवाइड किया तो उसने वाई रिमाइंडर छोड़ा। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ वाई, वाई की वैल्यू बतानी है आपने, क्या आएगा। तो फिर अपने पास एक नंबर मानो एक्स जिसको 289 से डिवाइड करूँ तो 18 आ जाएगी, सबसे छोटा नंबर मान सकता हूँ। आप एक क्वेश्चन को अपने पास से 1 मान लो तो आपके पास एक्स की वैल्यू आ जाएगी 289। 1 जा 289 प्लस 18, 18 ऐड करने हैं, ठीक है। तो एक्स की वैल्यू कितनी आएगी 307, क्यों 289 में मैंने 18 ऐड कर दिए, ठीक है। अब 307 को 17 से डिवाइड किया एक मिनट, एट पे जाएगा मेरे ख्याल से, हाँ जी ये एट पे ही गया है। किस पे गया, एट पे। 17 एट जा 136, तो रिमाइंडर कितना आया 1। तो इसका आंसर क्या आएगा, वाई की वैल्यू कितनी आएगी 1 आएगी अगर आप इस नंबर को 17 से डिवाइड करोगे। इसका एक शॉर्टकट भी है, शॉर्टकट क्या है, अगर ये नंबर सेम है, यहाँ पे भी नंबर सेम है और यहाँ पे भी सेम है, और इस केस में आपको रिमाइंडर पूछ लिया है, तो आप सिंपल 18 में से 17 माइनस कर दो तब भी आपका आंसर आ जाएगा। मीन्स जो ये वाला पहले केस में रिमाइंडर दिया होगा उसको अगले केस के डिवाइज़र में से माइनस कर दो तो आपके पास आंसर आ जाएगा। ये ट्रिक है, पर ऐसे नहीं करना आपने, इसको आप सोच कर करना पूरे को।